नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार और आपके अपने इस YouTube चैनल में, जिसमें हम बात करते हैं BSNL और BSNL से रिलेटेड सारी जानकारियों के बारे में, जो कि आपको समय रहते पता होना बहुत ही जरूरी है। वीडियो की शुरुआत से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को एक बार जरूर क्लिक कर लें, साथ ही वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि BSNL ग्राहक किस तरह से फ्री में सिम कार्ड प्राप्त कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। BSNL ग्राहकों के लिए खुशखबरी, इस तरह फ्री में पाए सिम कार्ड। BSNL ने यूजर्स को फ्री में सिम कार्ड देने की घोषणा की है, जो कि लिमिटेड टाइम ऑफर है और इसके लिए नए यूजर्स को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जाने BSNL के इस नए ऑफर को किस तरह आप फायदा उठा सकते हैं। BSNL ग्राहकों के लिए बड़ी खबर आई है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए BSNL ने कुछ नियम और शर्तों के साथ फ्री में सिम देने का घोषणा किया है। इसके जरिए जहां तक एक तरफ वह भारत में विस्तार करने की कोशिश में है, वहीं एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया समेत अन्य टेलीकॉम कंपनियों से टक्कर लेने की कोशिश भी कर रहा है। फिलहाल BSNL हर सिम कार्ड के लिए ₹20 चार्ज करती थी, लेकिन अब लिमिटेड ऑफर के तहत वह 14 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में फ्री में BSNL सिम कार्ड आपको दे रही है। एंट्री लेवल ब्रॉडबैंड प्लान को अपग्रेड करने के साथ ही फ्री में सिम देने की घोषणा से ऑफर से BSNL ग्राहकों की संख्या बढ़ने की संभावना है। क्या करना होगा इसके लिए, आइए जानते हैं। दरअसल हर टेलीकॉम कंपनियां अब नए सिम कार्ड के बदले कुछ ना कुछ चार्ज करती है और उसे FRC यानी फर्स्ट रिचार्ज में काट लिया जाता है। BSNL ग्राहक अगर फ्री में सिम कार्ड लेना चाहते हैं तो उन्हें पहले रिचार्ज ₹100 का करवाना होगा। देश भर के BSNL ग्राहक इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। BSNL ग्राहक अपने नज़दीकी BSNL स्टोर पर जाकर फ्री में सिम कार्ड ले सकते हैं और मनचाहा FRC उस पर करवा सकते हैं। BSNL का बढ़ेगा दायरा। आपको बता दूं कि अगले साल MTNL का आखिरी साल है, यानी अगले साल से दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में भी MTNL की बजाय BSNL का जलवा देखने को मिलेगा और कंपनी अपना दायरा बढ़ाने की हर संभव कोशिश करती दिखेगी। इस तरह अगले साल से देश भर के 20 टेलीकॉम सर्कल में BSNL की मौजूदगी दिखेगी। BSNL ने इस फेस्टिवल सीजन में अपने हर सर्कल के ग्राहकों के लिए धांसू ऑफर की घोषणा कर दी है, जिसमें तरह तरह के फायदे और बचत के बारे में बताया गया है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है, BSNL ने लॉन्च किया नया ब्रॉडबैंड प्लान। अनलिमिटेड हाई स्पीड डेटा के साथ मिलेगी कॉलिंग बेनिफिट भी। आइए जानते हैं पूरी खबर। BSNL ने एक नया ब्रॉडबैंड प्लान शुरू कर दिया है। इसमें यूजर्स को हाई स्पीड अनलिमिटेड डेटा के साथ किसी भी नेटवर्क पर कॉलिंग की फैसिलिटी भी दी जा रही है। BSNL के इस प्लान का नाम फाइबर बेसिक प्लस है। इसमें यूजर्स को 60 Mbps की स्पीड के साथ 3300 का डेटा भी मिलेगा। यह प्लान अभी सभी सर्कल के लिए ही लॉन्च कर दिया है। इट मीन्स आप इसे सभी सर्कल में यूज कर सकेंगे। इसमें क्या मिलेगा, ₹599 की कीमत वाले BSNL के इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड डेटा मिलेगा, लेकिन 3300 की लिमिट खत्म होने के बाद इंटरनेट की स्पीड घटकर 2 Mbps हो जाएगी। इस प्लान के तहत यूजर देश भर के में किसी भी नेटवर्क पर 2400 घंटे अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी प्राप्त कर सकता है। बात करें ₹499 वाले प्लान की, तो BSNL ने कुछ दिन पहले ₹499 कीमत वाला एक ब्रॉडबैंड प्लान लॉन्च किया था। इस प्लान की वैलिडिटी 1 महीने की है। इस प्लान में 20 Mbps की स्पीड से 100 GB डेटा मिलता है। इस प्लान में भी यूजर्स किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन ISD कॉलिंग के लिए ₹1.20 प्रति मिनट की दर से चार्ज लिया जाता है। इस प्लान में कंपनी यूजर्स को एक ईमेल आईडी के साथ 1 GB स्टोर स्पेस भी दे रही है।
799 रुपये वाला प्लान, BSNL के 799 रुपये वाले फाइबर वैल्यू नाम के इस प्लान में यूजर्स को 200 Mbps की स्पीड के साथ 3300 GB डेटा मिलता है। इस प्लान की वैलिडिटी भी 1 महीना है। इस प्लान में भी यूजर्स को लैंडलाइन से अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है। दोस्तों अब बात करें अगली खबर की। अगली खबर कुछ अलग है जो कि आपके मोबाइल नंबर और आधार कार्ड से रिलेटेड है। क्या आपका भी बदल गया है मोबाइल नंबर तो इस तरह आधार से कराएं लिंक। दोस्तों होता क्या है कि कुछ समय के बाद किसी न किसी परिस्थिति के चलते आपको अपना मोबाइल नंबर बदलना पड़ता है, तो उसी स्थिति में आप किस तरह से उसे आधार से लिंक करा सकते हैं इस बारे में है ये। आधार हम सभी के लिए एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। बिना आधार के हमारे बैंक से लेकर घर तक के काम अटक जाएंगे। ऐसे में आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका नंबर चेंज हो गया हो तो अब आप अपने नंबर को फटाफट आधार से लिंक करा लें। अगर आपका मोबाइल नंबर बदल गया है तो आधार को वैलिडेट करने के लिए आने वाला OTP नहीं आएगा। इस स्थिति में जरूरी है कि आप आधार से लिंक्ड अपना मोबाइल नंबर बदल लें। आप अपने मौजूदा मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करा सकते हैं। आधार नंबर के साथ नया मोबाइल नंबर लिंक कराना काफ़ी आसान है। अपने दूसरे या नए नंबर को आधार से लिंक कराने के लिए आपको पंजीकृत केंद्र पर जाना होगा। यहाँ जाने के बाद आप फॉर्म भरकर अपना नया नंबर लिंक करा सकते हैं। आइए आपको इसकी पूरी प्रोसेस बताते हैं। आधार में ऐसे करें नया फ़ोन नंबर अपडेट। इसके लिए आपको अपने इलाके के आधार पंजीकरण केंद्र पर जाना है। फ़ोन नंबर लिंक कराने के लिए आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, इसे आधार करेक्शन फॉर्म कहते हैं। इसे सही जानकारी के साथ भर दें। भरा हुआ फॉर्म अधिकारी को 25 रुपये की फीस के साथ जमा करा दें। फॉर्म जमा कराने के बाद आपको एक स्लिप दी जाएगी। इस स्लिप में अपडेट रिक्वेस्ट नंबर होगा। इस रिक्वेस्ट नंबर से आप ये चेक कर सकते हैं कि नया फ़ोन नंबर आपके आधार से लिंक हुआ है या नहीं। 3 महीने में आपका आधार नए मोबाइल नंबर से लिंक करा दिया जाएगा। जब आपका आधार नए मोबाइल नंबर से लिंक हो जाएगा तो आपको उसी नंबर पर OTP आएगा। उस OTP का इस्तेमाल कर आप ऑनलाइन अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आप आधार से नया मोबाइल नंबर लिंक करने का स्टेटस UIDAI के टोल फ्री नंबर 1947 पर कॉल करके भी जान सकते हैं। UIDAI ने जारी किए नए PVC आधार कार्ड। आधार PVC कार्ड पूरी तरह से मौसम प्रूफ, शानदार प्रिंट और लेमिनेटेड हैं। आप अब इसे हर जगह ला सकते हैं इसके बारे में चिंता किए बिना कि बारिश में से भी इसे कुछ नुकसान होगा। अपने आधार PVC को अब ऑनलाइन ऑर्डर करके आप मंगवा सकते हैं। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि BSNL और VRS से रिलेटेड सारी न्यूज़ आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।